हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवाज ब्लॉग। दोस्तों अभी इस वक्त हम मौजूद हैं जद्दा एयरपोर्ट पे और मेरी फ़्लाइट है जद्दा टू ओमान, मस्कत टू लखनऊ। तो मेरी वहाँ पे लखनऊ में वेटिंग है। अभी हम यहाँ से जाएंगे ओमान, फिर वहाँ से मेरी 7 घंटे वेटिंग है। दोपहर को 2:45 पे मेरी फ़्लाइट रहेगी। रात के अभी 10 बज रहा है और मेरी फ़्लाइट यहाँ से है 2:45 पे। सुबह हमको छोड़ेगी ये ओमान मस्कत पे 7:10 पे, जो टिकट टाइम है वही हम आपसे बता रहे हैं। और मेरा बोर्डिंग पास सब कुछ हो चुका है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा क्या नहीं लगा आने वाली वीडियो में अगर आप कहेंगे तो ज़रूर बताएंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों आपसे आगे। तो दोस्तों इस वक्त हम ओमान एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और मेरी एंट्री भी हो गई है। हम सुबह 7 बजे आए थे एयरपोर्ट पे। हम इस वक्त दोपहर के 2:45 हो रहे हैं, जिसमें से 3 बजे तक फ़्लाइट उड़ जाएगी। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं ओमान एयरपोर्ट पे। अब यहां से मेरी फ़्लाइट है ओमान मस्कत टू लखनऊ। तो यहां से हम जाएंगे लखनऊ और मिलते हैं वीडियो में आगे। तब तक के लिए वीडियो बने रहे। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर दिल करे तो। तब तक के लिए मिलते हैं आगे। हेलो गाइस, दोपहर के 3 बज चुके हैं और मेरी फ़्लाइट थी जद्दा टू ओमान, ओमान टू लखनऊ। तो अभी इस वक्त हम मौजूद हैं ओमान एयरपोर्ट पर। तो अब यहां से हम जाएंगे लखनऊ। हम आपको बताएं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वीडियो में बने रहा आखिर तक। सबसे पहले आपको जो है जो आपकी वैक्सीन लगी उसका सर्टिफिकेट निकलवा कर ले, सेहती का 2 कॉपी, तवक्कलना का 2 कॉपी, और टिकट तो आपके पास रह भी करेगा। और तीसरी चीज़ है एयर सुविधा का फारम, जो कि आपको लाजमी भरना पड़ेगा ऑनलाइन। अगर आप अपने रूम से भर के जाते हैं तो फ़ायदा रहेगा, एयरपोर्ट पे जाएंगे टाइम ना मिलेगा, तो जल्दबाजी में बहुत से वहाँ पे मिलेंगे कि लाओ भाई हम भर देते हैं, 50 रियाल या 40 रियाल मांगते हैं। तो हमसे भी कहा था बहुत लोगों ने हम भर देते, लेकिन हमने नहीं भरवाया, हमने अपने रूम से भर के गए थे। तो आप भी अपने रूम से भर के जाएँ एयर सुविधा का फारम। बाकी आपको सारा डॉक्यूमेंट ले जाना है, तवक्कलना का और सेहती का 2-2 कॉपी रख लेना है, एयर सुविधा का फॉर्म भी उसको आपको भर के ऑनलाइन निकलवा लेना है। उसकी कॉपी ना भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका चेक होगा जद्दा एयरपोर्ट पर, जहां से आ रहे जद्दा एयरपोर्ट पर चेक हो। तो एयर सुविधा फॉर्म की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप क्लिक करेंगे एयर सुविधा का फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे लास्ट चीज़ रही जो हम आपको बताना भूल गए, वो है PCR टेस्ट, जो 72 घंटे पहले आपको करा लेना है। जैसे आपकी कल फ़्लाइट है तो आपको एक आज करा लेनी है। मेरी फ़्लाइट थी 3 तारीख को, हमने PCR टेस्ट कराया था शाम को, तो 2 तारीख को शाम को कराया था, जो कि हमारी 3 तारीख को PCR टेस्ट मिल गई थी शाम को, और 9 बजे तक अपने रूम से निकल गए थे। तो दोस्तों आपको भी एक दिन पहले PCR टेस्ट करा लेना है। और दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर आप लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, आज से हम 1 महीने पहले की बात बता रहे हैं, अभी वहाँ के निज़ाम चेंज हो गए हैं। अगर आप लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते हैं, आपको PCR टेस्ट कर सारी चेकिंग करानी है, उसके बाद अपना लगेज उठाना है, उसके बाद आपसे PCR टेस्ट मांगा जाएगा, आप उस PCR टेस्ट को दिखाएंगे, उसके बाद मोहर मार के आपको बाहर एंट्री करा दिया जाएगा, जाकि ना ही आपका टेस्ट होगा ना ही कुछ। तो आप आराम से पहुंच सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। जो छुट्टी जा रहे हैं वे आराम से जाएं, आराम से आएं। अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो इतनी टाइम हालात बहुत ही ख़राब हैं, अगर आपको बहुत ज़रूरी तब आप छुट्टी जाएं, नहीं तो अपना आप यहीं 6-7 महीना और निकाल लें तब जाएं। तब तक के लिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।